लेकिन ना केवल गोलू सिंह के द्वारा धमकी दी गई है, नीरज सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है, उसके निजी मोबाइल से दी गई है, गोली मार के हत्या कर दूंगा, लाश तक प्राप्त नहीं होगी, क्षेत्र में नहीं दिखना, गोली मार के हत्या कर दूंगा, लाश तक प्राप्त नहीं होगी, क्षेत्र में नहीं दिखना। और ये दोनों भाई जान चुके हैं कि ये चुनाव हार रहे हैं। उस बौखलाहट में अभी तक तो ये आम जनता पे अपना आतंक फैलाते थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री सौरभ नाटी शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस वक्त मैं जबलपुर के एसपी ऑफिस में मौजूद हूँ। पीछे आप देखेंगे कि जबलपुर एसपी कार्यालय जो है यहाँ पर इस बिल्डिंग के सामने हम मौजूद हैं, और आप सामने देखेंगे कि कांग्रेस का एक डेलीगेशन यहाँ पर इस वक्त पहुँचा हुआ है, और दिनेश यादव जी भी हैं और खुद सौरभ नाटी शर्मा भी हैं। और एक शिकायत उनकी ओर से यहाँ की गई है, दस्तावेजी शिकायत है, इसमें ये कहा गया है कि चूंकि वो बरगी से कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी संजय यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे थे, लिहाजा उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है, और ये धमकी बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिंह के भाई गोलू सिंह की ओर से दी गई है। इस दस्तावेजी शिकायत में क्या कुछ आपकी ओर से अभी कहा गया है, क्या शिकायत की जा रही है, ये बताइए। देखिए, ना केवल गोलू सिंह के द्वारा धमकी दी गई है, नीरज सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है, उसके निजी मोबाइल से दी गई है, जो उसका निजी मोबाइल है, जो उसके नाम से रजिस्टर है, जो सब जगह प्रचलित है कि ये नीरज सिंह का मोबाइल है, उस मोबाइल से रात को 3:36 पे मेरे को कॉल आता है कि कहाँ पर है। तो मैंने कहा ऑफिस घर पर हूँ, क्या कर रहा है। तो पहले तो मैं समझ नहीं पाया चूँकि नंबर नहीं था। फिर उसको नीरज सिंह को होश आता है कि मैंने अपने निजी मोबाइल से फ़ोन करा, तत्काल काट के 3:38 में 2 मिनट के अंदर वह दूसरे अपने कार्यकर्ता के मोबाइल से फ़ोन करता है, और जो धमकी देने का उसका अंदाज था, अपशब्द कहते हुए कि गोली मार के हत्या कर दूंगा, लाश तक प्राप्त नहीं होगी, क्षेत्र में नहीं दिखना। मैंने पूछा, कौन बोल रहे हो प्यारे भाई, हो सकता है कि कोई मजाक कर रहा है या वो। तो उसने बोला, मैं गोलू सिंह बोल रहा हूँ, जो एक बार में बात बोल रहा हूँ उसको समझ लो। जिस तरीके का उसका लहजा था, उससे साफ समझ में आता है कि ये गोलू सिंह ही था, और नीरज सिंह के मोबाइल से, निजी मोबाइल से उसके फ़ोन आया था। ये दोनों भाइयों का, नीरज सिंह और गोलू सिंह का, जो भय आतंक अराजकता फैलाने का जो सिलसिला पूरे समूचे बरगी विधानसभा में, इसके ऊपर संजय यादव की सादगी, सरलता, मिलनसारता भारी पड़ रही है। और ये दोनों भाई जान चुके हैं कि ये चुनाव हार रहे हैं। उस बौखलाहट में अभी तक तो ये आम जनता पर अपना आतंक फैलाते थे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, पदाधिकारियों पे अगर इस तरीके से अगर ये धमकी दे रहे हैं, ये समूची बात प्रमाण सहित हम लोगों ने एडिशनल एसपी महोदय को मुहैया कराई है। क्या प्रमाण दिए हैं आपने, ये देखिए, देखिए एक मिनट, देखिए, ये नीरज सिंह का पर्सनल मोबाइल नंबर है जो सालों से वह इस्तेमाल करता है, और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, और जो मेरे कॉल में इसमें समय सहित आया है कि 3:36 रात को उसका कॉल आता है। ये देखेंगे आप, इसमें समय 3:36, ये मोबाइल नंबर आप देख लीजिए, हरा इनकमिंग का साइन देख लीजिए, ये उसकी डिटेल है। फिर 2 मिनट के बाद उसका जो कार्यकर्ता है शील जैन, उसके मोबाइल से फ़ोन किया जाता है, और लंबे तकरीबन 2 मिनट के वार्तालाप में सिर्फ धमकी देना, गाली बकना, हत्या कर दूंगा, गोली मार दूंगा, लाश प्राप्त नहीं होगी। उसके बाद ये गोलू सिंह के जो 18 आपराधिक प्रकरण हैं, जिससे ना केवल बरगी विधानसभा का मतदाता आतंक में रहता है, बल्कि समूचा मध्य प्रदेश जानता है कि ये दोनों भाई जो हैं कितने गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। समूचे जबलपुर में दोनों भाई प्रसिद्ध हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचने वाली बात थी कि कैसे अपराधी को आप प्रत्याशी बना रहे हैं। चलिए, बना भी दिया गया, लेकिन गोलू सिंह जैसे अपराधी को आपने खुला छोड़ दिया, जो साफ तौर पर प्रत्याशी का सगा भाई होते हुए खुलेआम धमकी दे रहा है कि गोली मार के हत्या कर दूंगा, लाश तक प्राप्त नहीं होगी। ये समूचे एविडेंस हम लोगों ने एडिशनल एसपी महोदय को मुहैया कराए हैं, और उनसे आग्रह करा है कि 24 घंटे के अंदर गोलू सिंह का आप जिला बदर करें या उसको जेल में डालें, और 24 घंटे में अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो अपने हजारों समर्थकों के साथ मैं शांति मार्च निकाल के बेलखेड़ा जाऊंगा, वहां पर बेलखेड़ा थाने जाऊंगा, वहां पर रामधुन गाऊंगा, और वहां पर अपनी छाती लेके जाऊंगा कि गोली सिंह की गोली में कितनी मजबूती है, वो गोली मारे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मेरे ऊपर कोई ऐसी घटना होती है, अगर मेरे ऊपर कोई ऐसा घात होता है, इसकी समूची जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज सिंह की और गोलू सिंह की होगी, और पुलिस प्रशासन को इस बात से हम लोगों ने आगाह करा दिया गया। अभी भी पुलिस प्रशासन अगर सोचता है कि बरगी विधानसभा में निष्पक्ष चुनाव हो, तो तत्काल गोलू सिंह की गिरफ्तारी हो, मतदान तक उसको जेल में रखा जाए, तब मैं समझता हूं थोड़ा बहुत वहां निष्पक्षता से चुनाव संभव है। दिनेश यादव जी भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। पीसीसी के आप भी महामंत्री हैं, जिम्मेदार पद पर हैं, कांग्रेस पार्टी क्या रुख अपनाने वाली है इसको लेकर, और क्या इसकी निर्वाचन आयोग से शिकायत कर रहे हैं?
पहली चीज़ तो ये है कि हम प्रजातांत्रिक मूल्यों पर बहुत विश्वास और सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। हम ये चुनाव प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ना चाहते हैं। अभी जो घटनाक्रम सामने आया है, भाई सौरभ शर्मा के साथ जो घटना घटी है, उनके साथ पूरी कांग्रेस खड़ी है। मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ तमाम विरोधी दलों के लोगों को कि कांग्रेस पार्टी के यदि किसी एक कार्यकर्ता को भी छेड़ेंगे तो शुरुआत उनसे होगी, अंत हम लोग करेंगे। हम व्यवस्था, हम अवैध तरीके से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, ना हम अवैध तरीके चुनाव लड़ने के पक्षधर हैं। परंतु कोई हमारे कार्यकर्ता को डराए, हमारे नेताओं को धमकी दे और ये सोचे कि हम प्रजातांत्रिक तरीके के चुनाव को हम कहूँ बाहुबल या धनबल से जीत लें तो ये बर्दाश्त करने का कांग्रेस पार्टी नहीं है। हम पूर्णतः गांधीवादी तरीके के मानने वाले लोग हैं। हम बहुत शांति में चुनाव लड़ना चाहते हैं, परंतु हमारी धैर्य की कोई परीक्षा भी ना ली। तो धैर्य की परीक्षा ना ली जाए, और कह रहे हैं कि एविडेंस को लेकर शिकायतें की गई हैं, और यहाँ जिन पुलिस अधिकारियों को ये शिकायत की गई है, आइए जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अभी सौरभ शर्मा जी आए हुए थे, उनका ये कहना है कि कल रात्रि में 13-11 को किसी गोलू सिंह नाम के व्यक्ति के द्वारा पहले मोबाइल पर उनको धमकी दी गई, फिर एक किसी दूसरे मोबाइल से उनको कॉल किया गया जिसमें उनके साथ अभद्र व्यवहार और धमकी दी गई। इस प्रकरण को, उनके शिकायत को हमने संज्ञान में ले लिया है और 24 घंटे के भीतर इसमें मोबाइल CDR लेकर और विभिन्न तथ्यों को, विभिन्न साक्ष्यों को एकत्रित कर हम इसमें जल्द ही वैधानिक कार्रवाई करेंगे। गोलू शर्मा, गोलू शर्मा जो भी व्यक्ति हो, अगर उसने ये कृत्य किया है तो उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, उनने ये आरोप लगाया है, ये हम सब जांच में पूरा ले लेंगे और अगर ये तथ्य आया तो निश्चित रूप से जिस भी व्यक्तियों ने अगर उनके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार किया है या गलत काम किया है तो निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जबलपुर पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की जाँच साइबर एक्सपर्ट से भी करवाई जाएगी, CDR भी देखा जाएगा और देखा जाएगा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके मुताबिक सच्चाई क्या है। अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि जाँच में सत्यता पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन कह सकते हैं कि बरगी विधानसभा चुनाव जो कि कांटे की टक्कर वाला चुनाव माना जा रहा है, इस बीच कांग्रेस के एक जिम्मेदार पदाधिकारी को धमकी दिए जाने का ये जो मामला है ये लगातार तूल पकड़ रहा है और इसका अंजाम भी देखने लायक होगा। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।